हेलो बच्चों, वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। मैं श्रीवास्तव आपके सामने फिजिक्स का एक नया आज टॉपिक लेके आया हूँ। एक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करेंट। तो जैसा कि बच्चों बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है, अब आप लोग अपनी तैयारी एकदम करते रहिए, ठीक है। अभी हम लोग जैसे क्या है कि अभी ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीधे इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करेंट। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड में, मतलब जो भी इससे आएगा न्यूमेरिकल्स आएगा और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बात करते हैं अल्टरनेटिंग करेंट की, है ना बच्चों। तो देखिए अल्टरनेटिंग करेंट क्या है, हमारे आसपास हमारे घर में जो करेंट हमें मिलता है वो हमें किस फॉर्म मिलता है, अल्टरनेटिंग करेंट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करेंट है क्या, वो डीसी से कैसे अलग है और उससे रिलेटेड हमारे क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारा जो एसी करंट में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने एक इंस्टेंट करंट की बात की, तो हमने यहाँ पे डीएस शो कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी, क्योंकि हमारा जो टोटल जो टाइम है वन टाइम पीरियड का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों की जीरो से टी, अब यहाँ आई की वैल्यू क्या होता है बच्चों, आई नॉट साइन, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आर है ही हमारे पास, इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आई नॉट स्क्वायर जो बच्चों वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, पीक वैल्यू है, आर हमारा रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, ये हम लोग क्या लिखेंगे जीरो से टी, बचा हमारे पास क्या देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन है यहाँ पे, हमको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर के टर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे एज इट इज इसको लिखेंगे हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यू जो बाहर है। अब देखिए जीरो टू टी इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू, ठीक है, इंटू डी टी। मतलब अब हम इस पूरे इस इक्वेशन को बच्चों हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने इसको चेंज कर दिया कॉस में, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों और हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखिए आगे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट प्रूफ पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे ये टू को देखिए यहाँ बाहर लिख देते हैं, तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, और ये कार क्या लिमिट है जीरो से टी, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, फिर लिखेंगे यहाँ पे एच इक्वल टू ये एज इट इज इसको हम लोग लिख देंगे आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर बाय टू। अब देखिए क्या करना है, एक फंक्शन हमारा एक टर्म भी है दूसरा टर्म भी है, दोनों टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो पहले वन को करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, टी, ये टी आ गया, देखिए यहाँ वन है तो ये टी आ जाएगा, मतलब डी टी यहाँ आएगा, डीटी को टी करेंगे, टी की जगह टी रखेंगे, जीरो रखेंगे तो हमें टी ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस टू ओमेगा टी, है ना, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन जब भी होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, ठीक है, जीरो से टी, यह है इसका। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर बाय टू, है ना, टी माइनस देखिए यहां से इसको वन अपॉन टू ओमेगा कर देंगे और हम लोग इसको लिख देंगे, देखिए यहां पे वह टी रखेंगे वैल्यू तो कॉस टू ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है, और एक बार क्या रखेंगे जीरो रखेंगे तो हो जाएगा कॉस जीरो, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर बाय टू इंटू टी, अब देखिए इसकी वैल्यू ये पूरी ये भी देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे देखिए कॉस जीरो हमारे पास है, ठीक है, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई हमारी वन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉस टू मीटर यहाँ पे भी आएगी तो वन माइनस वन जीरो, तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी वन अपॉन टू ओमेगा इंटू जीरो, तो हमारे पास बचा क्या आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई टू, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ये हीट की वैल्यू आ गई, एक मिनट, ये हीट की वैल्यू आ गई जो एसी सर्किट में हो रहा था, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन टू, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने इक्वेशन वन बच्चों बनाया था, तो इक्वेशन हमारे पास क्या था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर इंटू टी, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया
तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है और जो डीसी करंट है दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हीट को इक्वल कर देंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो आ जाएगा देखिए आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। देखिए टाइम यहां से हमारा आर से आर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो जो हमारी आई आर एम एस की वैल्यू आई, ठीक है, जो आई आर एम एस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई नॉट अपॉन में रूट टू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो रिलेशन होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ और हमारा यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, ये हमारा ठीक है रिलेशन है। तो देखिए, तो जैसा कि हमारा देखिए जो यहाँ पे ठीक है जो जो आई आर एम एस होगा, ठीक है, वो कितने बराबर होगा 0.707 ऑफ आई नॉट, ये वैल्यू होती है, रिलेशन होता है ठीक है आई आर एम एस और आई नॉट में। तो बच्चों आपको ये टॉपिक फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट निकाला था, क्योंकि अगर देखिए दो सर्किट है हमारे पास, एक एसी सर्किट था एक डीसी, इसमें भी सेम हीट प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें भी सेम हीट प्रोड्यूस हो रहा था, तो दोनों में हमने हीट को कैलकुलेट करके हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, एग्जाम में बहुत इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग को जो पढ़ना है कि हम लोग को एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है, एक बार हमको उसमें रेजिस्टेंस को कंटेन करना है, एक बार हमको उसमें इंडक्टर को कंटेन करना है, एक बार उसमें हमको कैपेसिटर को करना है, इसी तरह हमें एलसीआर एलसी आरसी तो कई तरह के सर्किट को पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। यहाँ पे देखिए आप जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा एक सर्किट बना हुआ है, ये जो हमारा एक सर्किट है जिसमें देखिए यहाँ पे एसी सोर्स हमारा लगा हुआ है, और ये हमारा देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ऐड है, ठीक, और यहाँ पे देखिए ये इसका फेज डायग्राम बना है। तो अभी हम लोग आइए इसको देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, तो एक यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ई नॉट, भी से भी दिखा सकते हैं, ई से भी दिखा सकते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए बच्चों लिख सकते हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारी वोल्ट जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन होगा बच्चों, वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर बच्चों, तो हमें देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहां रेजिस्टेंस हमारा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम देखिए हम लोग क्या करेंगे, ई के वैल्यू रख देंगे यहां पे, तो जो हमारा आई आएगा वो आ जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना। तो इस इक्वेशन को और इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए हमने क्या था, हमने एक यहाँ पे सर्किट को कंसिडर किया जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो उस सर्किट में जो वोल्टेज की वैल्यू है हमने उसको यहाँ पे ले लिया इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो बच्चों हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है, तो हमने यहाँ आई इक्वल टू ई बाई आर लिया, ई की जो ये वैल्यू थी यहाँ पुट किया, तो ई नॉट बाई आर को हमने क्या लग दिया आई नॉट। तो हमारा देखिए ये आ गया करंट के लिए, ये आ गया हमारा करंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमको देखना होता है कि हमने जो वोल्टेज का इक्वेशन लिया था और करंट का इक्वेशन लिया था, दोनों को हमको क्या करना होता है बच्चों, कंपेयर करना होता है ना। तो देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन बच्चों कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी, यहाँ पे क्या लिखा है ओमेगा टी, मतलब जो हमारा करंट और वोल्टेज है दोनों क्या है बच्चों, सेम फेज में, कैसा है बच्चों, सेम फेज में है। ठीक है, तो सेम फेज में है, तो आइए हम इसको एक फेजर इसका एक हम डायग्राम बनाएंगे फेज के लिए। ठीक है, ये टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पहले वोल्टेज के लिए, है ना, तो पहले हम वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लिया एक साइकिल ड्रॉ किया। अब देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है, जो फेज है दोनों सेम फेज में, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। तो आइए करंट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, तो करंट को भी सेम फेज में है, तो करंट को भी ऐसे ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। तो देखिए जिस तरह यहाँ ड्रा हुआ है, ये कॉस के फॉर्म में, साइनसोइडल फॉर्म में, ये कॉस के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से शुरू है और ये साइन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पीक वैल्यू किसका है, ये हमारा वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ये हमारा करंट का पीक वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये फेज डायग्राम है ना बच्चों, कि हमारा करंट और वोल्टेज दोनों कैसा है, सेम फेज में। कैसे पता चला, ये ओमेगा टी और यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस ओमेगा टी है, ठीक है। अब इसका देखिए एक होता है फेजर डायग्राम, अब उस फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर हमको देखिए फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, चाहे कैपेसिटर या इंडक्टर, कुछ भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हम लोग को फेजर डायग्राम जरूर ड्रॉ करना होगा। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों देखिए करते क्या है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया जीरो। अब देखिए पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने जो फेजर डायग्राम है, हमेशा हमको ध्यान रखना है कि एक वेक्टर डायग्राम ही होता है, एक तरह से क्या होता है, ये वेक्टर डायग्राम ही होता है। जो भी फेजर डायग्राम है, जिस भी डायग्राम को हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमेशा देखेंगे, देखिए कोई भी हम लोग वोल्टेज या करंट को एरो से ही दिखाएंगे, तो और हमें क्या देखना होता है कि जो उसका ये टेल होता है, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए हमने देखा कि जो वोल्टेज का जो एंगल था ओमेगा डी था, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग वोल्टेज के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन, इसमें लोग दे देंगे ई नॉट, ठीक है, और ये एंगल दिखा देंगे ओमेगा टी, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किया, यहाँ पे ऐसे मिला दिए, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है बच्चों। अब देखिए सेम हमें क्या करना है, करंट के लिए भी ड्रा करना है फेजर, तो हमें पता है कि जो करंट का भी जो एंगल था ओमेगा टी था, तो इसी लाइन पे सेम करंट भी आएगा, तो थोड़ा उसको नीचे ऐसे ड्रॉ करिए और उसको यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, ये हमें किसको दिखा रहा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमने एसी सर्किट को पढ़ा, कंटेनिंग रेजिस्टेंस, जिसका हम लोग ने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे वोल्टेज के इक्वेशन को लेके चले हम लोग, और यहाँ करंट के इक्वेशन को फाइंड आउट किए, करंट और वोल्टेज के इक्वेशन को हम लोग आपस में एनालिसिस करके यहाँ फेज को देखे, तो फेज हमने दोनों का सेम पाया, तो हम लोग फेज के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया और दूसरा फेजर डायग्राम बनाया, ठीक है। तो फेजर डायग्राम इस तरह से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, देखिए आपने सोलेनोइड पढ़ा था, तो कुछ इस तरह से हमने एक लिया था कॉइल, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इंडक्टर पढ़ना है हमें, तो हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है, जो सोलेनोइड जैसा एक हमारा ये जो हमारा कई सारे लूप होते हैं, तो जब भी इसमें करंट फ्लो होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करें, जैसे डीसी करंट फ्लो करें, तो क्या होगा, ये डीसी करंट को अपोज नहीं करेगा, बट जब भी हम यहाँ पे कोई अल्टरनेटिंग करंट चेंज इसमें फ्लो कराएंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट लगातार चेंज होता है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने वजह से क्या होगा, यहाँ की इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और उस इंड्यूस वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मेन हमारे जो अप्लाइड वोल्टेज उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो इंडक्टर होता है वो एसी को अपोज करता है, डीसी को अपोज नहीं करता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि डीसी कांस्टेंट होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, जब करंट में नहीं चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो कोई भी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, एक सर्किट पहले हम लोग बच्चों बनाते हैं, तो हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिसमें लोग ले लेते हैं एक इंडक्टर, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया एसी सोर्स, ठीक है, इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमारा एक करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए हमें पता है कि जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, उसमें हम लोग देखेंगे तो E इक्वल टू माइनस, एक रिलेशन यहाँ पे हमारा था डी आई अपॉन डी टी का, अगर देखिए फैराडे लॉ क्या था, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो इसी रिलेशन को हम लोग आगे करके एक रिलेशन ये भी बनाए थे कि E इक्वल टू माइनस एल
इसको माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो देखिए बच्चों हमको क्या करना है, अब ये देखिए जो ई एम एफ, ये कौन सा ई एम एफ बच्चों, ये है इंड्यूस्ड ई एम एफ, ये क्या है इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है। तो ये जो induced EMF होगा, इस EMF को इसको क्या करेगा, इसको ये अपोज करेगा, मतलब जो capital E होगा और जो small E होगा दोनों opposite direction में होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E is equal to minus E। तो अब देखिए यहाँ पे इस minus इस small E की value रखेंगे तो आ जाएगा L di upon dt। तो देखिए बच्चों करना क्या होता है, हम वोल्टेज का इक्वेशन लेके चलते हैं और करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है, फिर करंट और वोल्टेज के इक्वेशन को हमको सेम में कंपेयर करना होता है, फिर सुबह हमको फेजर डायग्राम बनाना है और फेज के लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रहा है वो इज इक्वल टू इतना आ रहा है, अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, देखिए डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई एल इंटू डी टी, क्लियर है बच्चों। तो डी आई को इसी तरह लिख दीजिए, E की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी, क्लियर बच्चों। फिर देखिए इसको और कैलकुलेट करेंगे, डी आई इक्वल टू इस ई नॉट बाई एल को बाहर ले लेंगे, अब यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने हमको करंट फाइंड करना है बच्चों, है ना, हमको वोल्टेज का इक्वेशन ले चाहे हमें करंट को फाइंड आउट करना है, तो हम देखिए यहाँ पे जो करंट का यहाँ पे जो लेंगे जीरो से टी टाइम लेंगे, क्लियर है बच्चों। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको और आगे बच्चों सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे तो देखिए ये आई हो जाएगा हमारा, तो आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा इंटू जीरो बाई टी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लिए, कॉस ओमेगा टी जीरो से टी। अब देखिए यहां पे फिर इसको हम लोग और कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, अब देखिए यहां पे पहले टी रखेंगे, तो देखिए टी यहां रखेंगे, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, तो हमें पता है कि टी ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, टू पाई बाई टी, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए यहां रखेंगे एक बार, कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस कॉस जीरो, क्लियर है, ठीक है। या इसको रुके, अभी हम लोग वैल्यू को नहीं रखते हैं, ठीक है, अभी इसको वैल्यू को नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं रखना है, हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन बनाना है, तो इस वैल्यू को भी नहीं रखना है, ठीक है, हमें जो इंटीग्रेट करना है इसी तरह करना है, ये कॉस में चेंज हो रहा है तो आई की वैल्यू हमें मिल रही है ना। तो देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और, तो इसको मैं इस तरह से लिखता था, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा, है ना, और यहां ये क्या हो गया माइनस कॉस, इसका ये यहां पे ये लिखेंगे, ठीक, माइनस ठीक है इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखिए यहां पे जो आई का इक्वेशन बच्चों निकल के आ रहा है, और यहां पे हमने जो वोल्टेज का इक्वेशन लिया था, दोनों देखिए साइन और कॉस सेम नहीं है, तो सेम फंक्शन है, तो कैसे चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा हमको साइन या कॉस में एक इक्वल बनाना होगा, तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा, ठीक है। अब इसको लिखिए साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा होता है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए पाई बाई टू या ओमेगा टी है, तो इसको भी हमको इंटरचेंज करना होगा, तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा हमारे पास ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यहाँ देखिए सॉरी माइनस पाई बाई टू,
है। तो ये हमारा क्या आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब वोल्टेज के इक्वेशन को देखिए और करंट के इक्वेशन को देखिए, तो दोनों में साइन का फंक्शन हमारे पास है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए यहां पे ये जो क्या दिखा रहा है, ये करंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू, ये पीक करंट को दिखा रहा है, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब इसकी बात करेंगे यहां, ठीक है, जब इसकी बात हम लोग करेंगे, तो देखिए यहां पे ये जो रिलेशन दिखा रहा है v इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू v बाई आर, मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, ओमेगा एल जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इस ओमेगा एल को हम लोग लिखते हैं बच्चों x इंटू एल के इक्वल, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा इंडक्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल, मतलब जितना ज्यादा हमारा, ठीक है, एल की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या करेगा वो इंडक्ट करेगा, है ना। ये हमारा एक्सएल की वैल्यू आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्सएल की वैल्यू मिल गया, एक्सएल वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा एल, ठीक है। ये इंडक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है, इफेक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ फेज को देखा जाए बच्चों, तो यहाँ फेज देखिए क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, और यहाँ फेज क्या है, ओमेगा टी, मतलब देखिए वोल्टेज का जो फेज है, अगर हम इसी पे बता देते हैं आपको, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए जो वोल्टेज का इक्वेशन बच्चों हमारे पास आया है, ये देखिए हमारा दूसरा टॉपिक था, यहां से देखिए जो वोल्टेज का इक्वेशन बच्चों आया है, वोल्टेज हमने लिया था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और जो करंट का हमने इक्वेशन निकाला है, वो निकाला है बच्चों ओमेगा एल, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो देखिए बच्चों यहां जो वोल्टेज है और करंट है, दोनों का फेज डिफर कर रहा है, मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है। तो देखिए जो वोल्टेज का एक्चुअल फेज ओमेगा टी है, और जो करंट का फेज है ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे लीड कौन कर रहा है बच्चों, वोल्टेज कर रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इनका फेज देखना चाहे, फेज ड्राइव इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो पहले अगर हम लोग वोल्टेज को ड्रॉ कर दिए, तो देखिए इस तरह से हम लोग वोल्टेज को ड्रॉ कर दिए, पहले हम लोग वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी है, बट करंट बच्चों क्या हो रहा है, ये माइनस पाई बाई टू इसको लैग कर रहा है, मतलब ये वाला ओमेगा टी आगे है और ये वाला पाई बाई टू इससे पीछे है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब अगर करंट को हम लोग दिखाना हो, तो देखिए ये हमारा एक हमारा हो गया ये पाई, ये देखिए पाई, ये एंगल हो गया टू पाई, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल लिया टू पाई। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो, तो बीच में क्या होगा, कहीं पाई बाय टू होगा, ऐसा होगा, ठीक। अब ये देखिए, तो हमको क्या करना है कि जो करंट है, देखिए पहले वोल्टेज चलना शुरू कर रहा है, उसके बाद करंट चलना शुरू कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट हमारा इससे पीछे है। तो जब वोल्टेज पहले चलना शुरू किया, अब करंट को हम लोग ड्रॉ कर रहा है, तो करंट को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, सॉरी, ठीक है, करंट को हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब देखिए यहां पे ये साइनसोइडल फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में होता, तो वो इक्वेशन हमारा होता कुछ इस तरह से, नहीं इसमें दिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने बच्चों फेज को देखा, ठीक है, करंट हमारा फेज क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी। तो पहले हमने क्या किया, वोल्टेज को चलने दिया, ये हमारा पीक वोल्टेज को दिखा रहा है, ई नॉट को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है हमारे पास आई नॉट को, ठीक है। तो वोल्टेज से, वोल्टेज हमारा क्या है, यहाँ लीड कर रहा है, तो वोल्टेज पहले चल रहा है और करंट बाद में, तो ये इस तरह से इसका फेज का डायग्राम बनेगा, है ना। अब अगर हम इसकी बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर इसके हम लोग फेजर डायग्राम की बात करें, तो कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जीरो है, हमें पता है कि पहले, सबसे पहले किसको ड्रॉ करते हैं बच्चों, वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, और जो वोल्टेज का जो वेक्टर फॉर्म ड्रॉ करेंगे, उसमें जो एरो का टेल होगा, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा दिखा रहा है मैक्सिमम वोल्टेज को, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो एंगल है बच्चों, ये है ओमेगा टी, क्लियर है बात, ये जो एंगल है बच्चों, ये क्या है, ओमेगा टी, और हमको क्या करना है बच्चों, करंट का यहाँ पे फेजर ड्रॉ करना है। तो इस ओमेगा टी से कितना ज्यादा हमारा करंट प्रीसीड कर रहा था, 90 डिग्री पाई बाय टू। तो यहां से देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे मैक्सिमम करंट, और ये पूरा जो, ये देखिए ये ओमेगा टी है, और ओमेगा टी में से क्या कर रहे हैं हम लोग,
पाई बाय टू को माइनस कर रहे हैं, तो मतलब देखिए यहां से हमारा ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, तो यहाँ ये जो ग्राफ है यहाँ पे दिखाएगा इज इक्वल टू ई नॉट, या इसको वाइट ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये जो करेंट वाला इक्वेशन ये क्या दिखा रहा है बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों ये हमारा था फेजर डायग्राम हाँ फॉर अ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, है ना। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक था बच्चों एसी करंट था, अल्टरनेटिंग करंट था, हमने कुछ टॉपिक कवर किया आज, है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, एसी और डीसी के बारे में जाना। तो देखिए कुछ आपको एसी और डीसी के बारे में और चीजें बता देते हैं। देखिए एसी करंट और डीसी करंट है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट करंट होता है, ये लगातार मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। डीसी करंट को प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्टली होता है, एसी करंट जो हमारा होता है इसको हम लोग ठीक है थोड़ा सा इससे कम बजट का होता है, ठीक है। डीसी करंट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 1% यूज हो रहा है, तो हमारा एसी करंट कितना यूज हो रहा है 99%, ठीक है ठीक है। अब देखिए एसी करंट को हम लोग आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ठीक है रेक्टिफायर, ठीक है। एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे बच्चों, रेक्टिफायर लगा के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में अपने परिचितों में शेयर कीजिए, और आगे हम लोग इसी तरह आपको सारे टॉपिक देते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है, हो गया। हेलो,